हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सुभाषिस। आज लर्निंग वीडियो में हम लोग सीखेंगे मार्केट में एग्जिट कैसे करना है। आप ट्रेड तो ले लेते हैं, कभी कभी क्या होता है मेल्स आते हैं तो मैं पढ़ता हूँ 1:2 से पहले थोड़ा सा रिवर्स कर गया 2 या 3 पॉइंट पहले और वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया, स्टॉप लॉस चला गया। बहुत सारे लोग ट्रेड ले लेते हैं, मार्केट ऊपर भी जाता है 1:2 में प्रॉफिट भी बुक करते हैं, इन द एंड में पता चलता है मार्केट और ऊपर गया है 1:4 1:5 तक भी वो ट्रेड जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे, परफेक्ट टाइमिंग कैसे कर सकते हैं मार्केट में एग्जिट करने का, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सिनारियो क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, एंड तक देखिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सीखने के लिए मिलेंगे। लेट्स से आप 1000 पे एक स्टॉक बाय करने के लिए प्लान किए थे, दिस इज द प्राइस ऑफ द स्टॉक, ये 1000 में आपने बाय करने के लिए प्लान किए थे, ब्रेकआउट हो गया या फिर कोई पैटर्न हो गया, कोई भी वे से आप 1000 में बाय किए थे, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट इमीडिएट काम आता है स्टॉप लॉस, टारगेट नहीं, 99% लोग पहले टारगेट सोचते हैं 1000 में बाय कर ले तो टारगेट क्या होगा, पहले आपको स्टॉप लॉस सोचना है। तो स्टॉप लॉस बहुत सारे लोग इधर परसेंटेज वाइज करते हैं या फिर लेट्स से 10 रुपए या 15 रुपए अपना कैपिटल के हिसाब से करते हैं। तो जस्ट इमेजिन हम लोग स्टॉप लॉस अभी देख लें, लेट्स से हम लोग 10 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो इमीडिएट टारगेट आपका क्या प्लान होता है। नॉर्मल अगर 1:2 का आप प्लान कर रहे हो, इसका मतलब 1020 पे आपका टारगेट है, करेक्ट, ये आपको समझ में आ गया, ये आपका 1:2 हो गया, ये प्लान हो गया, ये आपका पहला सिनेरियो 1000 में आपको बाय करना है, 1020 आपका टारगेट है और 990 अब 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाए हैं। मार्केट ने क्या किया, 1000 धीरे धीरे करके आपका 1000 पॉइंट टच किया, आपने यहां पे परचेस किया, परचेस करने से पहले आपने बस अपना मनी मैनेजमेंट, आपका रिस्क रिवॉर्ड, ये सारी चीजें कैलकुलेट किए थे। एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, मार्केट इज रनिंग साइकोलॉजी ड्रिवन होता है मार्केट, मार्केट को हमेशा ध्यान में रखो कि नहीं, 2-3 दिन पहले जो इवेंट हुए होते हैं ये मार्केट को याद रहते हैं, इसका मतलब लोगों को याद रहता है। एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा, अगर लेट्स से 1010 से अगर मार्केट गिरना शुरू हुआ था, 2-3 दिन पहले मार्केट यहां से गिरना शुरू हुआ था, मार्केट ने हॉल्ट किया कुछ टाइम के लिए, थोड़ा मैं रिमूव कर देता हूं, 1010 में मार्केट गिरना शुरू हुआ था कुछ टाइम तक, हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद ये फिर से 1000 का लेवल क्रॉस करने के लिए जा रहा है, वहां पे आपको बाइंग का सिग्नल मिला है और आपका टारगेट 1020 तक है और 990 10 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, करेक्ट, ये सिनेरियो है। एक चीज ध्यान में रखो, जो यहां से मार्केट नीचे गिरा था, इसका मतलब क्या है, यहां पे एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यस और नो, आपने अपने 10 रुपए का स्टॉप लॉस तो डाल दिया, 20 रुपीज का टारगेट डाल दिया, लेकिन यहां पे एक रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, अगर ये रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा नो डाउट आपको 1:1 से ज्यादा मिलने नहीं वाला है, अगर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाता है फिर ये नीचे गिर जाएगा, ये किसको रेस्पेक्ट किया, ये रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट किया। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा, हमेशा ट्रेड लेने से पहले 2 या 3 डेज पहले का आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा देख लो, दैट टू 15 मिनट चार्ट में, प्राइस में कहां पे सप्लाई डिमांड हुआ था, कहां पे इंबैलेंस हुआ था प्राइस, कौन से पॉइंट पे फॉल हुआ था या कौन से पॉइंट पे राइज हुआ था, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सारे लेवल मार्केट को याद रहते हैं, इन द सेंस लोगों को याद रहता है, जो 1010 में अगर लेट्स से 1010 में अगर कोई सेल किया होगा ये पॉइंट पे, मार्केट अगर फिर से ऊपर जा रहा है और यहां पे फिर से बाकी लोग देखेंगे यहां पे एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है, उन लोगों को एक छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, फिर से उन लोग सेल करेंगे, लेकिन आपके एनालिसिस के हिसाब से आप 1000 में ऑलरेडी बाय कर चुके हो और आपका टारगेट रेजिस्टेंस के ऊपर है। तो अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक चीज ध्यान में रखो, हमेशा मार्केट के पास एक स्पेस होना चाहिए, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, लेट्स से आप 1000 में बाय कर रहे हो और 1010 में एक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं एग्जांपल में आपको बताऊंगा, रेजिस्टेंस नथिंग बट लास्ट स्विंग क्या हुआ है मार्केट के अंदर, अगर ये लास्ट स्विंग बहुत मतलब लेट्स से आपका टारगेट के अंदर आ रहा है तो आपको इसको थोड़ा प्रिफर नहीं करना चाहिए, अगर आप कर रहे हो बी रेडी, आप सही भी हो, प्रॉफिट निकाल लो इसके अंदर। तो फर्स्ट थिंग, कोई भी आप अगर ट्रेड प्लान कर रहे हो, लेट्स से 1000 में आप बाय करने का प्लान कर रहे हो या सेल करने का प्लान कर रहे हो, पहले रेजिस्टेंस देख लेना, अगर आप बाय कर रहे हो आप सपोर्ट देख लेना, सेल कर रहे हो, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस 2 या 3 दिन पहले का देखना चाहिए, सो दैट आपके पास एक, आप ओवर एक्सपेक्ट ना करो मार्केट से, यहाँ पे अगर स्ट्रांग सपोर्ट है, ये स्ट्रांग सपोर्ट है नहीं है, थोड़ा सा मैं वीडियो के आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको देख लेना है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्केट में कहाँ पे है, फिर आपका बाय सेल का डिसीजन होना चाहिए। अगर लेट्स से रेजिस्टेंस के ऊपर
ऊपर आपका टारगेट हो रहा है तो मेन और मार्केट वहां तक मूव ना करे, आपके फेवर में भी जाएगा मार्केट और रेजिस्टेंस से रिएक्ट करके नीचे आ जाएगा, उस टाइम पे आप स्टॉप लॉस मार्केट को दे देंगे। अगर आपको पता है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 1010 पे, एक रेजिस्टेंस है, आपने बाय भी किया है, मार्केट ऊपर गया 1010 के बाद आपने देखा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो इंस्टेड ऑफ आपका स्टॉप लॉस देना। अगर मार्केट नीचे आ गया, मार्केट अपना काम किया, अपना रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अभी नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है ये सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो चलिए मैं आपको सेकंड पॉइंट बताता हूं। पहले पॉइंट में हम लोग ने सीखा ट्रेड लेने से पहले रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पे आपको देख लेना है। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट ये सारे चीजें रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर रहता है, 1:2 आपको अगर मिल जाता है और रेजिस्टेंस दूर है, लेट से आप अगर बाइंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली गो अहेड एंड टेक द ट्रेड। अभी थोड़ा सा मैं एडवांस लेके जाऊंगा सेकंड पॉइंट में, अभी एक चीज ध्यान में रखो, लेट से ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस कैन ब्रेक, करेक्ट, अगर सपोर्ट भी लेवल है, सपोर्ट कैन ब्रेक, तो इस टाइम पे क्या होगा, आपने लेट से 1000 में सेल तो किया था, ये पॉइंट पे आपने सेल किया था और 1:2 भी आपको मिल गया, सपोर्ट से पहले 1:2 मिल गया और सपोर्ट देखा आपने यहाँ पे होल्ड कर सकता है तो आपने बुक कर लिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको पता चला ये सपोर्ट ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ, उस दिन आपको लगेगा 1:4 और 5 भी ले सकते थे। तो इंपॉर्टेंट ये हो गया है ये सपोर्ट और जो रेजिस्टेंस आप देखे हो वो कितना वैलिड है और कितना स्ट्रांग है या फिर नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स ऑलरेडी नो अगर रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है इसका मतलब ये वीक हो चुका है, ब्रेक हो सकता है, सेम इन द केस ऑफ सपोर्ट। मैं और एक बार आपको बताता हूं, तो चलिए मैं आपको अभी लॉजिक बताता हूं फिर आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं आपको बार बार बताता हूं अगर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस हिट करता है या फिर सपोर्ट को मल्टीपल टाइम हिट कर रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेक होने वाले हैं। उस दिन अगर आपका टारगेट 1:2 है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं, 1:3-4 भी कर सकते हैं, हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। लेट्स से सेम एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 1010 में रेजिस्टेंस था मार्केट में, मार्केट नीचे आया और यहां पे फिर से आप बाय करने का प्लान कर रहे हो। जब ये रेजिस्टेंस देखे, यहां पे रेजिस्टेंस तो था लेकिन ये रेजिस्टेंस अगर लेट्स से मार्केट अगर कंटिन्यूअसली पिछले टाइम में ये मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट हो चुका है इसका मतलब ये 1010 का लेवल 5-10 दिन पहले ये मल्टीपल टाइम टच कर चुका है ये लेवल, तो चांसेस आर वेरी हाई। अगर आप लेट से यहाँ पे 1000 पे ट्रेड लिए हो, आपका अगर टारगेट 20 रुपीज भी है तो आप ये टारगेट भी बड़ा रख सकते हो, क्यों, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके निकल सकता है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है मार्केट में, ये एक हायर लेवल का आपको टारगेट दे सकता है, यहाँ पे आप वेट कर सकते हो। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या हो गया, आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट फाइंड आउट तो करने हैं ट्रेड लेने से पहले, लेकिन एक बार चेक कर लेना है, 5-10 दिन का डाटा एक बार देख लेना है। कभी एक चीज ध्यान में रखो, एनालिसिस हमेशा ट्रेड लेने से पहले होना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड सबको पता है लेकिन क्यों सक्सेस नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा। मार्केट ये रेजिस्टेंस पॉइंट से बेंड हुआ था, ये सपोर्ट पॉइंट से ऊपर गया था, वी नीड टू रेस्पेक्ट। अगर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहे हैं तो मैं ये डिसाइड कर सकता हूं मेरा टारगेट और बड़ा होना चाहिए था और टारगेट और बड़ा 1:3-4 होना चाहिए था। अभी चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं तो आपको समझ में आए। तो चलिए हम लोग अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं, कैसे आप ट्रेड लेने से पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई किए और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना वैलिड है वो आपको देखना है, उसके बाद आपका टारगेट भी बड़ा हो सकता है अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। लास्ट वेडनेसडे को हम लोग डिसाइड किए थे थर्सडे के दिन हम लोग सेल करेंगे, कॉल सेल करेंगे। कॉल सेल करने का मतलब 22,300-22,200 ये सब लोगों को याद होगा, सेल करने के लिए रेकमेंड हुआ था। ये क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट मेरे लिए बेयरिश था। इसके पीछे का रीजन क्या था, निफ्टी नेगेटिव हो गया था, रिलायंस नेगेटिव हो गया था, HDFC बैंक में नेगेटिव था और ये लास्ट आवर में सेलिंग था। ये आपका माइंड सेटअप है कल जाके आपको सेल करना है, तो आप नेगेटिव सिनेरियो देखेंगे। मे भी कोई बोलेगा मैं नेगेटिव कैंडल देख के सेल कर दिया या फिर एक रेंज ब्रेकआउट होने के बाद ये कैंडल पे मैंने सेल कर दिया। आप सेल कर चुके हो, अभी इमीडिएट आपका क्या होना चाहिए, टारगेट। आप यहां पे सेल किए, आपका स्टॉप लॉस लेट्स से ये आपका स्टॉप लॉस है तो आपका 1:2 कहां पे होगा, 1:2 आपका नो डाउट नीचे की तरफ होगा। मैं आपको एक रफ एग्जांपल दे रहा हूं, आप पहले ट्रेड ले चुके हो, नेगेटिव आपका व्यू था, ट्रेड लिया, आपका टारगेट हुआ। ये ट्रेड लेने से पहले आपको देखना क्या है, आपको इमीडिएट सपोर्ट देखना है क्योंकि आप सेल कर रहे हो, इमीडिएट सपोर्ट देखना है। डोंट यू थिंक ये एक सपोर्ट एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है, करेक्ट। यहां से प्राइस बाउंस बैक हुआ था तो ये एक सपोर्ट एरिया है।
ये सपोर्ट एरिया इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये पता करने के लिए थोड़ा सा आपको और बैक जाना पड़ेगा। तो समय अराउंड यहाँ पे आपने देखा ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये पहले यहाँ पे गया, ये फर्स्ट टाइम गया, तो ये सेकेंड टाइम ये सपोर्ट एरिया पे आने वाला है। इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम, ये सेकेंड टाइम आने वाला है। तो मेरे लिए ये सपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले यहाँ पे प्राइस हॉल्ट किया था, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे हॉल्ट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर ये आया, एक कैंडल बनाया, बुलिश कैंडल बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, मैं समय अराउंड यहाँ पे कहीं पे सेल किया हूँ, सेल करने के बाद मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो आपको माइंड में याद होना चाहिए कि नहीं, ये एरिया में एक सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ पे हॉल्ट कर सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है या नहीं है, डोंट यू थिंक, ये मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, ये फर्स्ट टाइम गया, ये सेकेंड टाइम गया, तो मेरे लिए ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं 1:2, 1:3 प्लान कर सकता हूँ, ये ब्रेक होने के लिए प्लान कर सकता हूँ। एक चीज़ ध्यान में रखो, लेट्स से आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट ये सपोर्ट को देखिए रेस्पेक्ट भी किया है क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट तक मार्केट यहीं पे पड़ा रहा, इसके बाद ये ब्रेक हुआ नीचे गया। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, यहाँ पे कभी प्राइस एक्शन ऊपर के लिए बना ही नहीं, जहाँ पे आप एग्जिट कर पाओ तो आप ऑलरेडी रेडी थे। अगर ऊपर जाएगा एटलीस्ट 10-20-30 रुपए आपको स्टिल मिल सकता था क्योंकि ये सपोर्ट पॉइंट था, लेकिन ये सपोर्ट पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्केट लेट से आपने यहां पे सेल किया, ये नीचे आया, तो आपको पता हो जाना चाहिए यहां पे एक सपोर्ट एरिया है, तो आप यहां पे बुक कर सकते हो आपका प्रॉफिट्स। बट जब मार्केट सेकंड टाइम यहां पे आया तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए, आपको वेट नहीं करना है, ये ब्रेक हो सकता है। आई होप अभी आपको सभी चीजें धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट चलिए मैं आपको और एक स्टॉक बताता हूं। तो चलिए हम लोग डेली चार्ट्स में इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं। मेरे लिए ये एक वीक स्टॉक है, फंडामेंटली एक वीक स्टॉक है, तो मैं ये स्टॉक में हमेशा बेयरिश साइन ढूंढता रहता हूं। आप लोगों को भी टेलीग्राम चैनल में ये मल्टीपल टाइम्स दिया हूं और एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहा है। अभी हम लोग देखते हैं ट्रेड कौन से प्राइस में शॉर्ट करना चाहिए था, कौन से प्राइस में मैं सोच रहा था शॉर्ट करने के लिए। उसके बाद हम लोग सपोर्ट ढूंढेंगे क्योंकि यहां पे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो इमीडिएट सपोर्ट ढूंढेंगे। सपोर्ट ढूंढने के बाद सपोर्ट कितना वैलिड है ये देखेंगे, उसके बाद फिर आपका टारगेट प्लान होगा। तो यहां पे लेट्स से आपको एक इनसाइड कैंडल मिला होगा, यहां पे एक बड़ा कैंडल बना, उसके बाद इनसाइड, तो ये एक बेयरिश साइन है मेरे लिए। यहां पे मैं ट्रेड करूंगा समय अराउंड, यहां पे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1:2। अगर मैं ट्रेड लेने से पहले क्या डिसाइड करूंगा, मेरा मनी मैनेजमेंट और ये सारे अगर सूट कर रहे होंगे, मैं देखूंगा इमीडिएट सपोर्ट कहां पे ये ट्रेड पे। इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बोला था लास्ट स्विंग जहां पे दिख रहा है, ये एक इमीडिएट सपोर्ट है, नो डाउट। ये सपोर्ट देखने के बाद मैं देखूंगा ये सपोर्ट कितना वैलिड है। इसको देखने के लिए थोड़ा सा अगर मैं बैक जाऊंगा तो मुझे यहां पे दिख रहा है ये लेवल पे ये मल्टीपल टाइम आके सपोर्ट ले चुका है, एक बार यहां पे, सेकंड टाइम, ये थर्ड टाइम, ये फोर्थ टाइम लेने के बाद ये ब्रेक दिया है। डोंट यू थिंक, सेम एनालिसिस बार बार आपको मैं बता रहा हूं, मल्टीपल टाइम अगर सपोर्ट में हिट कर रहा है तो ये ब्रेक हो सकता है। और एक पॉइंट यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, यहां पे एक सपोर्ट था, मार्केट यहां पे क्या किया, ये सपोर्ट पे मार्केट आया, कुछ टाइम तक टाइम स्पेंड किया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और हिट द लाइक बटन सो दैट मैं आने वाले टाइम में आपको ब्रेकआउट सीरीज के ऊपर वीडियो बना के दूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा एक चीज़ें ध्यान में रखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक होंगे या नहीं होंगे ये तब पता चल जाएगा कितना टाइम यहाँ पे स्पेंड हो रहा है। पहले से मुझे आइडिया लग गया था ये एक वीक सपोर्ट है क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, वीक है और यहाँ पे टाइम स्पेंड हो रहा है। मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस है, एंट्री यहाँ पे है, अभी तक मुझे टारगेट मिला नहीं है, आई एम गोइंग टू वेट। और उसके बाद देखिए ये स्टॉक किस तरीके से गिरा है, क्योंकि इसको होल्ड करने के लिए कोई लेवल नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, अगर आप जाके निफ्टी बैंक निफ्टी चार्ट्स भी चेक करोगे, बैंक निफ्टी मुझे याद है 30,000 जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ उस वो लेवल ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने पहले ट्रेड हुआ था, इसका मतलब 10-15 दिन पहले कोई लेवल ही नहीं था इसको होल्ड करने के लिए, मार्केट सडन फॉल हुआ। यही होता है अगर मार्केट के पास कोई लेवल नहीं होता है तो वो सडन फॉल करता है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो आ जाता है इसके बाद जो नेक्स्ट स्विंग आ जाता है ये समर राउंड ये लेवल पे आ जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था 180 तक भी मार्केट आ सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस बहुत अच्छा दिख रहा है, 2 दिन के अंदर ये आ गया। ये एनालिसिस होता है, चीज़ों को समझने का कोशिश करो। पहले आपको ट्रेड ले मतलब प्लान कर लेना है कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, वो इंडिकेटर हो सकता है, ब्रेकआउट लेवल हो सकता है, प्लान कर लिए आपने 1000 में लेट से प्लान किया। मैं अभी पूरा कंप्लीटली समरी आपको बता दे रहा हूँ, 1000 में आपने प्लान किया, इसके बाद आपको देख लेना है सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है और वो सपोर्ट रेजिस्टेंस कितना वैलिड है, उसके बाद आपका टारगेट सपोर्ट ये सारे चीज़ें आपका प्लान होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड नहीं है, आप 1:2 के जगह आप 1:4 भी लगा
लगा सकते हो। आई होप आप चीजों को समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेट वीडियो को लाइक करते रहो, सो दैट मैं आप लोगों के लिए ब्रेकआउट्स के ऊपर भी सीरीज बना के दूं। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, पैटर्न ब्रेकआउट हो सकता है। इसके ऊपर धीरे धीरे मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, लॉजिक भी आप लोग सीखोगे। बस आप लाइक करते रहो, फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कल मैं आपको मार्जिन के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। रिटेल ट्रेडर को कोई डरने वाला बात अभी के लिए नहीं है, मैं वो वीडियो में इन डिटेल्स में हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्लेजिंग के ऊपर, स्टॉक अगर सेल करना है, होल्डिंग में है, ये सारी चीजें पॉइंट्स में बताने वाला हूं। उसके बाद फिर हम लोग रेगुलर एनालिसिस करेंगे। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।